शेरकोट के थाना क्षेत्र के ग्राम में नगरपुरा के खारसेन के लिए कल मिली हुई मायूस बच्चे की लाश की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने हत्या आरोपी के सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान वह हत्यारण वह सौतेली मां के टूट गई है और जो कि उसने सच उगलते हुए वह मायूस बच्ची का कत्ल करना स्वीकार किया है और हत्या से वे लिए भी किया है। बच्ची का खून पुलिस के अनुसार वह सौतेली मां के और मतिरक के मां के तत्काल रहते की सौतेली मां के दो बच्चों के जबकि वह दूसरी मां के भी तीन इसी के बाद में हत्या से चलते हुए वह मायूस बच्ची का कल कत्ल कर दिया गया और वह किसी भी शक का ना हो इसीलिए वह उसने भी मोमबत्ती के सहारे बच्ची के शव को जगह जगह से दाग दिया है। थाना शेरपुर जनपद बिजनौर में कल अनिल नाम के एक व्यक्ति ने एक चौकी पर सूचना दी, वहाँ की हरेली चौकी पर सूचना दी कि उसकी 3 वर्ष की बच्ची गायब है। इस पर तुरंत पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए खोजबीन शुरू की और करीब 3 से 3.5 घंटे के बाद उसकी डेड बॉडी उनके घर से करीब थोड़ी दूर पर एक नाला बहता है उसके पास में, चूँकि उस बच्ची का गला घोंट के मारा गया था, इससे बड़ी ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए वहाँ के थानाध्यक्ष ने तुरंत मुकदमा कायम किया और मुकदमा कायम करके बच्ची की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद उन्होंने इसकी तफ्तीश की और जो बात निकल के आई उसमें जो ये अनिल बच्ची का पिता है इसकी 2 शादियाँ हो रखी हैं। एक पहली बीवी जो है जिसका नाम रजनी है उसके 2 बच्चे हैं और दूसरी जो है उसके ये छोटी वाली बच्ची थी जिसकी हत्या हुई थी और जब पूछताछ की गई और जानकारी दी गई तो पता चला कि इस जो इसकी पहली बीवी है उसने ही जो है वो अपनी जो दूसरी सौतन थी इसकी जो इसकी सौत रहेगी उसकी बच्ची को मारा है। इसने इतना जुर्म स्वीकार किया और ये कहा कि मैं मुझे बहुत गुस्सा था और मैं इससे बहुत जलती थी अपनी जो उसके पति की दूसरी बीवी है और ये गुस्सा। ये प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन